होली के मौके पर धनबाद पहुंचे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव धनबाद के लोगों को जमकर हंसाया। अपने कॉमेडी से धनबाद के लोगों का दिल जीत लिया। राजू श्रीवास्तव ने मौजूद लोगों को बताया कि मेरे जिंदगी में एक ही मूल मंत्र है कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग हाथ जोड़कर कहें, भाई तू रहने दे, हम ही कर लेंगे। देखे कॉमेडियन राजू के हंसी नुमा बातें। एक बार जोर तालियां अपने लिए बजा लीजिए, स्वयं के लिए। जब बहुत ज्यादा तारीफ हो जाए तब लगता है आखिरी में कहीं ये ना कहते हैं अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इन्होंने क्या सोच के लगाई कि उधर के लोग ना देख पाए मुझे, और जो लोग बैठे हैं उन्होंने हटवाया भी नहीं। ये छतरी हटाओ, उधर भी तो इंसान बैठे हैं। बहुत सारी टाई देखी, एक पसंद आई। हाँ ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है? ये साहब है 2000 रुपए की। कुत्ते लूटते हो, हमारे पंजाब में 2000 रुपए फर्स्ट क्लास शूज आते हैं। आते होंगे साहब, आप जैसे बड़ा आदमी गले में जूता डालेगा अच्छा नहीं लगेगा। अरे धर्मेंद्र, अरे यार रियल में, अरे हेमा मालिनी का हस्बैंड, अरे सनी के बाप। एक सेकंड, बत्ती चला, बत्ती, एसी लग, कूलर लगा दे। हाँ मैं बात करता, मैं पूछता। नमस्ते साहब, ओरिजिनल है? कुत्ते कमीने, कुत्ते में तेरे खून। हाँ असली है साहब, आप कुत्ते वाले में समझ गए, असली है। आपको सब क्या चाहिए, चाहिए क्या आपको, क्या चाहिए? अच्छा साहब आपको दमा है? दमा? अच्छा ये ऐसी आवाज ही ऐसी क्या? मुझे टाई चाहिए, कोई अच्छी टाई दिखाओ। हाँ दिखा रहे साहब। अरे गणेश टाई का दबा। अच्छा कुछ लोगों के पास तो इतना टाइम है, बनारस में एक परिवार में बैठा था, इतना उनके पास टाइम है कि अगर टीवी पे अजय देवगन ने आके कहा बोलो जुबा केसरी तो पूरा परिवार बोलता है जुबा केसरी, क्योंकि वो कह रहा है बोलो जुबा केसरी, तो इनको लगता बोलना पड़ेगा। एक महिला को देखा मैंने लखनऊ में, एक महिला रो रही पार्क के किनारे। हमें नमस्ते अम्मा, क्यों रो रही? बस रो रही बच्चा, रो रही। तो क्या बहू से झगड़ा हुआ? नहीं बहू से झगड़ा नहीं हुआ। हमने किसी ने कुछ कहा? नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्यों रो रही हो? ऐसे बोर हो रही थी घर में, तो हम सोचा चलो रो ही ले, टाइम पास कर रही। सो इस तरह से तो अनिल एक शॉप में आते हैं। क्या बोला? एकदम छपास। अरे कोई कैप दिखाइए, कोई अच्छी कैप दिखाइए, दिखाइए। दिखा रहे साहब, मुंडे की जगह रखो, ये देखिए। अरे कोई और, ये देखिए। अरे कोई और, ये देखिए। 400-500 टोपी देखी, एक पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है? ये फ्री में है, पहन लो निकल लो, दोबारा धनबाद में दिखना नहीं। क्यों क्या हुआ? आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जो टोपी पहन के तुम घर से आए थे वही है। खरीदारी करने निकले वेटर, वेटर, हाँ 30-40 वेटर आ गए, दूसरे होटल से वेटर लोग आ गए। ये बताओ तुम्हारे यहाँ गरम क्या है? सब गरम समोसा है। और गरम? और गरम साहब कचौड़ी है। और गरम? और गरम साहब मालिक का भेजा है। और गरम? और गरम भट्टी के कोयले हैं। ठीक है एक प्लेट गरम कोयले लाओ। वेटर पागल हो गया, लेकिन कस्टमर भगवान होता है, वो चिंता लेके प्लेट लेके गया, भट्टी में के कोयला निकाला, गरम गरम कोयले लाया, वेटर टेंशन में, मगर वो तो राजकुमार है,
उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली। वाह राजू भाई वाह, शुक्रिया, खाने पीने हम फिर कभी आएंगे। मोबाइल अब किसी को कॉल करो तो नहीं बोलते थे ये ऐसे हाथ धोइए, ऐसे रगड़िए, घिसिए, 20 मिनट ये करिए वो करिए, तो लोग सुनते थे पहले। अच्छा, लोगों को परेशानी भी होती थी, किसी को अर्जेंट कॉल करना हो तो पहले पूरा सुनना पड़ता था। अच्छा, लोग किसी तरह सुनते थे भाई अपने देश का सुपरस्टार है, लेकिन तकलीफ कहाँ हुई जब लोगों को पता चला अमिताभ को खुद हो गया कोरोना। अच्छा, तो बीच में मुझे मिल गए बच्चन साहब, मैं हर 11 अक्टूबर उनके जन्मदिन पे जाता हूँ बुकिंग लेके, तो दादा के पास पहुंच गया, दादा को दिया बुके। बुके देने के बाद मैंने उनसे कहा कि दादा वो आपने जो कोरोना के बारे में बोला है मोबाइल पे, वो उसको थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बोलना चाहिए था, फिल्मी स्टाइल में बोलते तो लोग और देखते और सुनते, अग्निपथ की स्टाइल में बोलते। तो बोले कैसे बोलते, तो मैंने जो उनको बोल के बताया आपके सामने रख रहा हूँ, अग्निपथ स्टाइल में अगर कोरोना के बारे में बोलते, शत्रु ये दृश्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, तो जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। वरना भाई साहब आपके घर की जो रेखा है, रेखा आपके घर की जो रेखा है उसको पार करके मत जया कर, रेखा को पार करके मत जया कर, वरना आपके स्वास्थ्य का ऐश्वर्य खो जाएगा, फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कर, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर, एक बार कोरोना गया तो फिर जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा। अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई है, ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दी है, ज्यादा जोर से हंसोगी तो हमारी गारंटी नहीं है। फ्लाइट में एक पैसेंजर मुझे देखे, अरे राजू भैया, राजू भैया विंडो पे देखो, विंडो पे भैया, भैया खिड़की में देखो, खिड़की में जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है। हमने कहा अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ, वो चींटी है, तो कह रहा है लड्डू लाए उसमें आई होगी। एक अलग ही एक अलग पैसेंजर कमाल का, कोई कनपुरिया होगा, भैया इधर बैठ जाए विंडो पे, भैया विंडो बैठ जाए विंडो पे, हमने कहा यहाँ बैठना, हाँ विंडो विंडो सीट दे दीजिए यहाँ बैठ जाए। हमने कहा अच्छा आपको ऊपर से बादल वगैरह देखना है, नहीं नहीं थूकना है, हमने आओ थूको आके। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान होते मैंने उस शख्स को देखा है फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में, जिसकी सीट वॉशरूम के सामने पड़ जाती है, टॉयलेट के सामने, बेचारे की जरा सी आंख लगेगी वॉशरूम से फ्लश की आवाज आएगी, अब वो जाग गया, उसकी नींद गई, अब दिल ही दिल में, हाँ आइए अब दिख रहे ना सबको, अब फ्लश हो गया, अब ये दिल ही दिल में कमेंट्री करता है कोई धो रहा है। अच्छा, फ्लश के बाद वो निकला नहीं, 5 मिनट हो गया नहीं निकला, तो ये क्या कह रहा है, पैंट पहनने में इतना टाइम, ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन जबरदस्त होती रहती हैं, और यहां वहां से हम छोटी छोटी बातें आपके लिए क्रिएट करते हैं, और जब आप हंसते हैं यही हमारी जो है प्रॉपर्टी होती है, यही एक ताकत होती है, तो ताली आपने आयोजन के लिए जरूर होती रहे। बुलाया और टिकट भेजी एयर इंडिया की, कोई बुरी बात नहीं है, हमारी सरकारी एयरलाइंस है, लेकिन मैं सच्चाई भी बताऊंगा, ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टल रिटायर हो गई फिर भी कोई नहीं हटा रहा है, फ्लाइट में बैठो बुआ चाची मौसी की तरह घूमती रहती, पूरा होमली एटमोसफियर। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे मां बाप ने भी इतना कभी नहीं डांटा, जरा सा लेट हो जाओ ऐसा बिहेव करती, कहां रह गई थी आने के टाइम, अच्छा पट्टी के तू अब आ रहा है, पायलट तुमको ढूंढने गया है। इनको प्राइवेट एयरलाइन से सीखना चाहिए कि कैसे वेलकम किया जाता है पैसेंजर का, विजय माल्या बाबा सिखा के गए,
आप फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, बोर्ड हो रहे हैं, उनकी एयर होस्टेस कहाँ रह गए थे, कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। और ये अनाउंसमेंट किसने सिखाया है इन एयर होस्टेस वगैरह को, वो मुझे मिल नहीं रही है। ये किसका, कौन किसका क्रिएटिव दिमाग है। आप एयरपोर्ट पे जाइए दिल्ली वगैरह में, लास्ट फ्लाइट लीजिए देर वाली, लास्ट नाइट वाली, आप डर जाएंगे। छाती से बोलती, छाती से जो अनाउंसमेंट होता है, जो लोग मुझे छोड़ने आए थे ये आवाज सुनकर भी घुस गए, बोलो कोई चीज है अंदर भैया दिखा दो, कोई चीज अंदर पली है। किसने सिखाया इनको, समझ में नहीं आता। अच्छा, जब फ्लाइट के आप अंदर आइए तब नहीं डराती है, जब फ्लाइट के अंदर आप बैठ जाएंगे, सीट बेल्ट बांध लेंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर डराएंगी, तब आप उस भाग भी नहीं सकते। सुरक्षा के नियम बताएंगे, अगर प्लेन में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एक नली निकल के आएगी, पहले खुद के नाक में घुसेड़ लेना, फिर मौका देके बगल वाले घुसेड़ देना। इमरजेंसी के लिए आगे दो द्वार, पीछे दो द्वार, नहीं देखा द्वार तो सीधा हरिद्वार। हमने कहा भैया ये पहले बताना चाहिए था, तो हम डिसाइड करते जाना है कि नहीं जाना है। अजीब अजीब बातें। अच्छा, इंटरनेशनल फ्लाइट में आना जाना थोड़ी देर के रोक दिए, भैया जो आ जाए वो आ जाए, तो झुक के आ जा कंगारू की तरह, आ जा आ जा आ जाओ भैया, आई आई बोल। आप नहीं ना समझे, जैसे बड़वा पराठा, बड़वा शिमला मिर्ची, तो मेरे समझ गया, ओ रा अड़ा है, अड़ा वा है, काहे खरे हैं भाई, ठीक खरे साहब खुश हो गए। अरे खरे साहब आपसे बोल रहे हैं, बोले नहीं नहीं सबसे बोलते हैं। हमारे कानपुर में बहुत छुट्टी के मूड में रहते हैं, उनका बस चले तो सोचते रोज छुट्टी हो। बनारस में भी ऐसा है, हर आदमी छुट्टी के मूड में। मैं अपने चाचा के घर गया, हमने कहा अच्छा चाचा प्रणाम, चल रहा हूँ, एयरपोर्ट का टाइम हो गया। तो अरे अभी कहाँ जाओगे यार, 3 बजे का फ्लाइट, अभी 2 बज रहा है, इतना पहले जा क्या करोगे, बैठो आराम करो यार, कोई हलवा हलवा बनाते हैं, थोड़ा मौज ले यार, है जिंदगी का मजा ले। तो हमने कहा अरे छुट्टी, हमने कहा आपकी छुट्टी है, छुट्टी क्या, बोला ऑफिस में कह दिया, हमारा कुलीग है वो हमारी तरफ से चिड़िया बैठा देगा, चिड़िया लगा देगा, छुट्टी है यार, मजा ले जिंदगी का, यही मजा। हमने कहा कमाल है। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कानपुर में बम विस्फोट हुआ है। अरे नहीं यार, कोई विस्फोट विस्फोट कुछ नहीं, झूठ अफवाह है। अरे अफवाह यार, समझा करो अफवाह। हमने कहा नहीं नहीं, इसमें आया देखिए मोबाइल पे, देखो बम फटे हैं। ये देख के बोले हाँ यार फटे तो हैं, तो इसका मतलब राजू 3-4 दिन की छुट्टी तो होगी।